गाइज, मार्क जकरबर्ग ने कुछ साल पहले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे कई ऐप्स खरीदे थे, लेकिन एक ऐप ऐसा है जिसे वो चाहकर भी नहीं खरीद पाए और वो ऐप आज फेसबुक को टक्कर दे रहा है। जी हाँ गाइज, इस ऐप को साल 2011 में अमेरिका के इवन थॉमस ने बनाया था, लेकिन जैसे ही ऐप लॉन्च हुआ तो लोगों को इसके फीचर कुछ खास पसंद नहीं आए और ये ऐप बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। लेकिन टाइम के साथ इस ऐप के यूजर्स बढ़ने लगे और ये इतनी तेजी से बढ़े कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी इसके मुरीद हो गए। लेकिन दूसरी ओर यही ऐप फेसबुक के लिए खतरा भी बन चुकी थी और कहा यह जाता है कि इस ऐप को खरीदने के लिए जकरबर्ग ने इवन को धमकी भरा ऑफर भी भेजा था, लेकिन इवन नहीं डरे। फिर मार्क ने अपना दूसरा ऑफर भेजा जिसमें वो इस ऐप को खरीदना चाहते थे, लेकिन इवन ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और फेसबुक आज तक उस ऐप को नहीं खरीद पाया। गाइस, उस ऐप का नाम है स्नैपचैट। क्या आप भी स्नैपचैट को यूज करते हैं और स्नैपचैट का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको बहुत पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में गाइस, किसी ने खूब कहा है कि दिल बड़ा रखो, दुनिया बहुत छोटी है। और ऐसे कुछ आप इस वायरल वीडियो में भी देख सकते हैं, जहां एक दूल्हा अपनी शादी के दिन स्टेज पर एक अनजान शख्स के साथ बैठा हुआ है। दरअसल ये अनजान शख्स हॉस्टल में रहने वाला एक स्टूडेंट है, जो इस दूल्हे की शादी में बिना इन्विटेशन के इसीलिए आ गया क्योंकि उसे भूख लगी थी। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था, हम आ गए यहाँ पे खाने। वो भूखा था। अब यहाँ कोई और होता तो शायद वो इस अनजान शख्स को अंदर ही नहीं घुसने देता, लेकिन इस दूल्हे की दिलदारी देखिए। इसने ना केवल उस अनजान शख्स को भरपेट खाना खिलाया, बल्कि उसे अपने बगल में बैठाकर उसकी दर्द भरी कहानी भी सुनी। बहरहाल, ये इमोशनल कर देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सभी इस दिलदार दूल्हे की तारीफ कर रहे हैं। वैसे गाइस, आपको इस दूल्हे की इंसानियत देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।